अरे यार ये देखो, ये देखो थोड़ा सा करते फट गए, कुछ भी नहीं है भाई। ये देखो ना इसमें वेट है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत होती है गाड़ी में से और मम्मी अरी। अरे यार गाने कैसे चल रहे हैं, गाने चलने लग रहे हैं। मम्मा गाड़ी में साउंड सिस्टम लगवा कर आ रहा हूँ, साउंड सिस्टम लगवा कर आऊंगा गाड़ी में। लग रहा है यो बेकार है, सच में बेकार है यो, ना निकल आऊँ। ये वो बेकार है तो निकल के रहेगा अब, और वो भी लगवा रहा हूँ हूटर। ना लगवाऊँ, पोल्यूशन कहाँ है? अरे पर वो तो फैला है, नॉइज पोल्यूशन। ओके मम्मी को नॉइज पोल्यूशन के बारे में पता है क्या? मेरे को पता नहीं था कि पता होगी। ठीक है ओके बाय, निकलता हूँ, लेट होगा। ओके बाय बाय। रोमित की चप्पल पहन ली, चुरा ली भाई। यहाँ सुन ट्रक में जा रहे हैं बहुत सारे लोग। यार एलवी सर तो लेट करेंगे, मैंने पूछे भी कहाँ पहुँच गए, तो अभी तो शायद पहुँचे ही ना है वे। मैंने हम सिग्नल टावर बुला रखे हैं, लेट सी कितनी देर में पहुँच पाते हैं लोग। सार्स पे जो एक जाम मिलता है ना, ये दिमाग ख़राब कर दे वह। देखियो कितना जाम है। चलो कोई दिक्कत ना है, अब तो खुले नवाड़ा है, पर पीछे जो एक किलोमीटर तक जाम आ रहा है ना, दिमाग ख़राब होगा। बाकी जय शीतला माता कर दो, शीतला माता की जय। करोल बाग में आ जाओ, ये गाड़ी कोई कहीं तक मोड़ेगा, कोई कहीं तक मोड़ेगा। यहाँ की यो तो खासियत है ही। अब देखियो देखियो कहाँ लाएगा, देखो मैंने बताऊंगा इन्हें। रट जा, ले जा ले जा, बैग ले जा भाई, ले जा फटाफट से बैग ले जाए ना। शाबाश, चलो गुड, वेरी गुड। लड़ाई भिड़ाई हम करते ही नहीं भाई। भैया की दुकान में पहुँच गए गाइस, वाओ फाइनली आज अपनी गाड़ी में काम हो जाएगा, बढ़िया यार। बैठे साइन मार रही है कैडी। तो भाई टाइम होगा 12 बजे, मैं लेट होगा थोड़ा सा। भैया के पास पहुंच चुके हैं। भैया क्या क्या काम कर दोगे आज? बढ़िया भाई, आज तो म्यूजिक सिस्टम में काम करेंगे आपकी गाड़ी में। अच्छा, जिसमें मोराइल के स्पीकर लगाएंगे, फोर्चन एम्पलीफायर है, ऊपर है। तो भाई देखो सेटअप कर देंगे आज भाई। मैंने भाई को पहले मतलब पहले डिस्कस कर लिया था, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे काम करवाना, आप अपने हिसाब से कर देना जो बेस्ट हो। कह रहा आप ले आओ गाड़ी, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। आपने क्राइटेरिया था कि ज्यादा महंगा भी ना हो, बजट में हो और आवाज भी अच्छी आए, तो हिसाब से एक सेटअप मैंने आपके लिए बना रखा है। बढ़िया, एक नंबर रेडी पड़ा है, नंबर रेडी। और अपनी उस पर लगवा लेंगे, और प्रोजेक्टर वाले जो अजूम के भाई पे अब आ गए, आ गए ना वो, वो भाई इसमें पर ये हिलते रहे हैं ऊपर नीचे, इसका क्या सीन है? नहीं आती ना लोगों को, इसके प्रॉपर क्लैंप आते हैं जिसके थ्रू ये फिट होगा, उसके बाद ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। क्लैंप है हम पे, क्लैंप खुद ही बनाया मैंने, खुद ही मतलब उसको हमने प्रॉपरली डिजाइन किया है। अच्छा अच्छा भाई, मजा आ जाएगा इसमें काम करवाते हैं, क्योंकि मैं जिसके पास जा रहा हूँ कह रहे भाई तुमने अब तक साउंड का काम नहीं कराया। मका रुक जाओ, तुम डट जाओ थोड़ा सा टाइम, बाकी वे भी आने लग रहे हैं। पीतमपुरा तो निकट लिए, मैं आधे घंटे में आ लूंगा। एलवीश और रवि भाई उनने भी अपनी गाड़ी में काम करवाना है, उनकी मैं जो होएगा वो उनके पास देख लेना, बता दूंगा। बाकी आते हैं और जैसे जैसे काम होता रहेगा मैं दिखाता रहूँगा, और तुम्हें तो पता ही होगा। बाकी माया खाऊं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे एड्रेस वैड्रेस, कमन भैया का नंबर भी स्क्रीन पर देख ही रहोगे। और जैसे जैसे काम होता रहेगा, जो सा ब्रांड लगाएगा, जो जो चीज़ लगेगी ना, छोटी से छोटी बड़ी तो बड़ी सारी चीज़ दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है भैया, करते हैं काम स्टार्ट। भाई तो अपनी गाड़ी में काम स्टार्ट हो लिया है। ये कहाँ से निकाला भैया आपने? इस गाड़ी का ये अलग है, इसी का ये ये कैसा सा है, कागज सा लग रहा भाई वो तो एकदम। पेपर कौन होता है? पेपर कौन है? पर ये तो अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है, पर ये नहीं, कंपनी के हिसाब से ठीक है। कंपनी के हिसाब से भी बेकार है भाई। कंपनी के हिसाब से तो बेकार है। 17 लाख रुपए ले लिए उनने और ये क्वालिटी दे रहे हैं। और जब ये वाला पीस निकालो ना भाई, जो हम लगवा रहे हैं आज, वो तुम्हें को जरूर दिखाने, इनमें डिफरेंस दिखाऊंगा। इसको तो साड़े को फाड़ने का जी कर रहा है मेरे को। चलो कोई दिक्कत नहीं। ओह ये देखो, हाँ ये अलग है, निकाल लो इसको भाई। ये देखना इसमें और इसमें फ़र्क अब, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वेट करो भाई। तो ये वाला वो है जो हम अपने में लगवाएंगे, इसमें और इसमें वेट डिफरेंस भी आ रहा है। जैसे तुम देख लो इसमें जो बीच में बहना है, टू प्लस बना रखा है, इस हल्का सा है ये तो, वैसे लिटरली में हल्का है भाई। और इसका खैर मेरे पास वेटिंग मशीन, ये देखो ये तो चिपक भी रहा है भाई, इनका टूल टाल के तो चिपक भी ना रहा, बेकार इसने फाड़ कर फेंक कर जाऊँगा यहीं पर गाड़ी में फेंक दूँगा। भाई वाह, खोल मारी भाई पूरी गाड़ी, लाइट भी जला रहे हैं यार। भाई डैम्पिंग कहाँ करोगे तुम पहले? पर ये इसके अंदर करेंगे। अच्छा, इसको खोलोगे पहले? नहीं नहीं, ऐसे ही कर देंगे अंदर अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे और डैम्पिंग से क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा अच्छी ना साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, एब्जॉर्ब कर लेगा है थोड़ा, समझ गया, भारी सा हो जाएगा। चलो भाई करो काम, मैं आता हूँ, ये इसको यहीं रख लेता हूँ, उल्टा ले। और भाई डैम्पिंग आगे भी होने लग रही है, आगे भी आगे का भी निकाल दिया स्पीकर भाई। जी भैया कहाँ है? सेम ही क्वालिटी का है, वैसे ही सेम वाला है, वो तो ठंडा हुआ पड़ा है, पर एसी चल रहा होगा इसमें, ठंडा हुआ पड़ा।
वेस्ट है यार ये तो, फाड़ दूंगा इसको मैं अंदर बैठ के अंदर कर अंदर बैठ के फाड़ना, हमारे सामने मत फाड़ो भैया, रख रख खिलो बाद में फाड़ेंगे इसको। तो आगे भी डैम्पिंग चल रही है अपनी, पीछे भी डैम्पिंग चलने लग रही है और सिस्टम बढ़िया कर देंगे। बेटे अपनी गाड़ी में तो हूँ लग रहा काम, जब तक मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई अपनी में कौन सा के लग रहा है। तो भैया बता दो क्या क्या सिस्टम कैसे है भाई अपनी गाड़ी में। मॉरेल का मैक्सिमम कंपोनेंट लग रहा है, कोएक्सियल लग रहा है। अच्छा, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हम कंपोनेंट ऊपर की तरफ लगाएंगे, कोएक्सियल हम नीचे की तरफ लगाएंगे सामने वाली तरफ। ओके, तो ये मेरा फेवरेट ब्रांड है मॉरेल, ये इजराइल का ब्रांड है। और जितनी भी गाड़ी आती है मैं ज़्यादातर 99% कस्टमर को ये रिकमेंड करता हूँ, भैया मॉरेल लो और कोई ब्रांड मत लो, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है काफ़ी हाई है ब्रांड का। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी वैसे भी देख मेरी में लग जाएगा ना, मैं तुम्हें खैर ये जस्टिस नहीं देता पर मेरे को विश्वास है ये इसका मैं श्योर शॉर्टेडली बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये वाला सेम सिस्टम कई सारे साल में लगाया, 100% फीडबैक है। चलो जी, ये तो कंपोनेंट हो गया ठीक है, और इसका ये कोएक्सियल है जो सामने रहा है दो इसमें, हाँ जिसमें ट्विटर इनबिल्ट होता है। ओके, अच्छा इसमें ट्विटर इनबिल्ट है भाई, ट्विटर लगाने की जरूरत ना लगता है। वही वाह, ये अपना कोएक्सियल वाले हैं अलग साउंड के लिए, कंपनी वाले में ना रहा है ट्विटर टैटर कुछ भी। हाँ वो फ्लैट होते हैं, आवाज़ में कुछ भी नहीं होती है। और ये वायरिंग किट है कॉशे की, वायरिंग किट हाई लो कन्वर्टर कपलर वायरिंग में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, सब टॉप नॉच होगा। तो ऐसी वायरिंग दी है कि जो आपको 4 से 5 साल को दिक्कत नहीं रहेगी, जब तक आपका भाई एक वो भी तो होता है ना कि जो एम्पलीफायर हम लगा देते हैं वो हिलता विलता रहेगा, वो हिला तो ना प्रॉपरली फिक्स कर देंगे अपनी जगह पे ताकि हिले ना, और निकालना पड़े तो हम ही निकाल पाए आप ही निकाल ठीक है ना। तो उसके साथ एक हाई लो कन्वर्टर लगेगा, ये भी कॉशे का ही लगेगा। ये क्या चीज़ है भाई? ये स्टूडियो के पीछे एम्पलीफायर आउट नहीं होता, मतलब एम्पलीफायर का इनपुट नहीं निकल पाता स्टूडियो। अच्छा, तो बीच में हाई लो कन्वर्टर लगता है जिससे आपकी आवाज़ वगैरह काफ़ी बेटर हो जाती है और प्रॉपरली फायरिंग हो जाती है। सही सही सही। और ये हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर है साउंड वैल्यू का, ठीक है। मतलब वन ऑफ द ओल्ड स्कूल एम्पलीफायर कह सकते हो, अच्छा हाई पावर एम्पलीफायर जिससे हम 4 स्पीकर चलाएंगे और एक बूफर चलाएंगे भाई। अच्छा, ये वाला बूफर है क्या अपना? ये बूफर रहेगा किकर का, 10 इंची का इंक्लोजर है, प्रॉपरली आपके डिग्गी में आ जाएगा एकदम फिट। हाँ प्रॉपर फिट हो जाएगा, कहीं टकराएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जगह भी कम खाएगा और आवाज़। भाई वाह, तो भाई ये सिस्टम है, प्राइस वाइज जब हो जाएगी रेडी जब भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ सिस्टम तो मैं बता दूंगा एक बार लग जाए। और बाकी के अपना एक वो भी तो करा रहे थे भाई हम प्रोजेक्टर, हाँ अजूम का वो भी दिखाई दो, वो तो खैर तुम्हें रात को दिखाऊंगा क्योंकि मैं रुका तो हुआ ही भाई की गाड़ी में, पता नहीं कौन सा प्रोजेक्टर पहले लगा हुआ है, बट बड़ी गलत फिटिंग हुई है भाई। वो कोई भी है, मेरे को खुद नहीं पता कौन सा है, वो ऐसे ही है कि लाइट ठोक दियो की जगह। हम लोग ब्रांडेड प्रोजेक्टर लगा रहे हैं अजूम का, ये D2S प्रोजेक्टर है। वही वाह, मजेदार चीज ये सेम आपने विकास भाई गाड़ी में भी लेके देखा है, इसी का तो देखो आप चेक कर रहे हो। हां भैया ठीक है ना, इसी का तो ये इसका प्रोजेक्टर है। और अपना वो लगवाएंगे ये केस के साथ हिले ना का, जो दिक्कत आते रहे ना थार में, प्रोजेक्टर है इसका ठीक है। ये बल्ब हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया, और प्रॉपर थार का क्लैंप है जो मैंने खुद बनाया। अच्छा, और इसमें हाई लो भी है, हाई लो है तो उसके थ्रू लगाएंगे ताकि जितना मर्जी झटका लो, ऑफ रोडिंग पे जाओ, जो मर्जी करो, प्रोजेक्टर की पोजीशन नहीं लेगी। तो भाई अपना सारा सेटअप आज का, गाड़ी रेडी होती है स्टेप बाय स्टेप, मैंने तुम्हें दिखाया था भाई, इतना खोल रखी है अभी तो ऊपर तक, गर्मी घनी हो रही है यार, तो मैं जाना ना चाह रहा बाहर, थोड़ी देर में जाता हूँ देख के आता हूँ कितना काम होगा भाई, मौसम होगा कैड़ा भैया, मैं देख के आता हूँ भैया ने कितना काम कर दिया ठीक है। उन्ना खोल तो रखा सिस्टम, थार खोल रखे पूरी अंदर तक यार, मेरा तो जी सब हो जा, मैं जब खुले है ना गाड़ी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पर मौसम बढ़िया हो गया, मैं तो यही था कि गर्मी ना रहे, अपना सही सिस्टम हो जावे, अपना दिखाता हूँ सिस्टम क्या कर रहे हैं भाई यार। अरे 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 ओह शिट भाई, भाई तुमने क्या क्या खोल मारा यार, ओ यार क्या क्या पड़ा है, इसको लगा दोगे ना भाई ऐसे ही? भाई वाह, ओले ओले प्यार चला रखा है वायर ने तो, आशिक हो रहा भाई। भाई वाह यार वाह, भाई अभी तक तो सही लग रहा, मजा आ रहा सुनने में, इसकी तो ग्रिल भी अलग सी है ना भाई। ओके हाँ भाई, खिंचवाएंगे सारे भाई यार, खिंचवाएंगे फोटो के, तो टेंशन मत लो। और भाई अपना सारा काम वन एंड ओनली कॉल भैया की ओर से हो रहा है, एरा ग्रैंड म्यूजिक एम्पोरियम, जो भी रेट वेट होएगा मैं आपको बता दूंगा, नंबर मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे ठीक है, तो आ सकते हो, अच्छा प्राइस मिल जाएगा और अच्छा काम मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो यार तुम। भाई टाइम तो 2 बज गए, अरे अभी तक आए नहीं भाई, धोखेबाज धोखेबाज इंसान है हमारे, तो भाई कोक चलने लग रही है, कोक और कहाँ भैया का वो लाहौरी जीरा भाई कॉल करता हूँ उन्हें, कहाँ रह गए भाई साहब। भाई टाइम हो गया 2:30, अरे अपनी में साउंड का काम हो गया क्या भैया पूरा? स्पीकर हो गए। अच्छा एम्पलीफायर की वायरिंग करनी है, एम्पलीफायर की एम्पलीफायर फिट कर दो भाई, हिला ना मतलब, वो तो तुम कर ही दोगे कह रहा इनो भाई यार को, वो है बहुत बड़ा सल्यूट की गर्मी में काम करा है, वो तो एक जाम लग गया परे थे।
भाई यू है अपना वो एम्पलीफायर जो लगाएगा गाड़ी में बढ़िया कितना भारी है भाई हैं डंबल मार ले रिश्ते भाई लगा दो इसको भाई यहाँ पे क्या हो रहा है फ्यूज बॉक्स क्यों नहीं निकाल रहे वायरिंग लगाओगे किस चीज की वायरिंग एम्पलीफायर की चिमटे चाहिए कपलर टू कपलर है कपलर चलो भाई कपलर टू कपलर है वही वाह भाई क्या अपडेट है बस सर चल रहा है चल रहा है कनेक्शन कर रहा हूं अच्छा कनेक्शन एम्पलीफायर के कनेक्शन चल रहे हैं भाई भाई वाह भाई वाह मजा कर रखा है तुमने तो यार हमने ले लेते हैं जरा भाई वाह बहुत जल्दी आ गए ना शर्म ना आएगी शर्म क्यों आएगी भाई अनू कह रहे छो मारेगी यहाँ पर तो जगह ही ना है भाई नहीं भाई वो कितनी जगह देगी भाई इस टाइम आवे तो भीड़ ही मिलेगी इतनी इतनी बथरी गाड़ी इस टाइम तो पूरे गलो बागे भीड़ मिलेगी भाई सुबह आते हुए 11 बजे कह तो रहा था भाई भाई ने तो फोग लैंप ही खोल मारे कच्चू कर दी नंगी कर दी बेचारी भाई अपनी में कितनी देर का टाइम और लगेगा आधा घंटा पूरी गाड़ी रेडी हो जाएगी बिल्कुल पूरी भाई वाह कर दो जब तक हमारी गाड़ी में हो रहा है काम हम रवि भाई के उड़क मच रही है किस चीज़ की उड़क मच रही है कोल्ड कॉफी की उड़क मच रही है तो हम तीन एलविश कह रहा है भाई मेरे बस की ना जाना तुम ले आओ ना प्लीज मैं थका पड़ा हूँ मतलब यार तुम तो नाजुक इंसान हो तो मैंने कहा चल लेने चल रहे हैं तो लेकर आ रहे हैं और फोन टाइट पकड़ रखा कोई खोज का ना भग जा रहा है एलविश तो करवा के फटाफट चले गए कह रहा कि मेरी गाड़ी मुड़वा दे तो मैं कहा चल कोई ना अपनी पे भाई अभी प्रोजेक्टर रह रहे हैं भाई दिखा दो लाओ कौन सा लगा रहे हैं भाई अदूम का लगाएंगे D2H प्रोजेक्टर भाई वाह और इससे अच्छा प्रोजेक्टर इससे अच्छी लाइट की ब्राइटनेस ड्यूरेबिलिटी वो तो मेरे को पता है करना है प्लस सबसे बड़ा आपको प्लस पॉइंट है इसका इंस्टॉलेशन अच्छा हिलेगा ना वो है ना, मतलब ही नहीं बनता वो यहीं पे मिलेगा जो हिलने वाला ना है और कहीं ना मिले भाई मेहनत करनी पड़ती है वो हमने की भी है बस तो फिर अगर प्रोजेक्टर की क्वालिटी की बात करूँ हाउसिंग की बात करूँ बहुत सुपीरियर क्वालिटी है चाहे उसकी मेटल क्वालिटी है बॉडी है या उसका जो लेंस है आगे का भाई देख लो नीले रंग का है इसका चाहे क्लैंप है पीछे प्लास्टिक का ये आपको IPS में भी नहीं मिलता है ऐसा अच्छा हाँ हार्ड क्वालिटी है भाई देखो ठीक है ये इसका बैलेंस्ड है 2 ईयर गारंटी है बैलेंस की प्रोजेक्टर की 2 ईयर वारंटी ये क्या चीज़ होती है भाई ये इसको मेन जो पावर हाउस होता है वो पावर देता है अच्छा इसमें लो हाई दोनों है ना हाँ लो हाई दोनों है ये इसका बल्ब है अच्छा D2H बल्ब बोलते हैं इसको अच्छा ये इसका प्लस पॉइंट है जो बाकी प्रोजेक्टर के अंदर नहीं है ये भी अजूम का ही है अजूम का प्रॉपर अजूम की पूरी किट आई है बॉक्स ठीक है और साथ में एक वायरिंग डलेगी कितने का पड़ता भाई ये भाई थार में आपको विद क्लैंप पड़ता है अराउंड 16,000 रुपए अच्छा सही है भाई कोई दिक्कत ना तो भाई जिसने भी लगवाना है ना ये बाकी और किसी गाड़ी में भी लग जावे भाई मैक्सिमम बहुत सारी गाड़ियों में लग जाती है हैरियर होगी मारुति कोई गाड़ी होगी होंडा होगी काफी सारी गाड़ियों में लग जाती है सही 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 उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट है 2 साल की गारंटी है सही भाई सही तो इसको लगाते हैं और थोड़ी शाम से हो जाए क्योंकि मैं अपने की अलाइनमेंट भी करा के ही जाऊंगा मैंने भाई को बोला था कि शाम को एक ही बार जाना अलाइनमेंट करा हां भाई इसलिए तो शाम होने ही दो फिर अभी तो लो जी शाम होने आई है 6 बजने वाले हैं 6 बजी गए हैं और अपनी गाड़ी का काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने आया है भाई सब फिनिशिंग कर दो अंदर से उतार थूर भी निकाल देना सब कुछ ही होगा के मरगा अरे बचगा यहाँ पैसे आवाज़ आती रहना है भाई अपने जूम के प्रोजेक्टर्स के लिए एक्साइटेड हूँ मैं भाई आज है ना माथा फोड़ूंगा सबका हाई भी मार के यार बहुत दिन तक मेरे को थ्रो ना मिल पा रहा था आज थ्रो मिलेगा आँख ही पहाड़ी सबकी सच बता रहा हूँ मजा मैं एक्साइटेड सबसे ज़्यादा इसके लिए और म्यूजिक सिस्टम मैंने भी सुना है ओ भाई मज़ेदार चीज़ सबसे बढ़िया मज़ेदार चीज़ है भाई यार तुम तो पप्पू भैया को वो कर रहे हो यार भाई तुम्हारा नाम भाई आपका नाम क्या है विक्की और आपका नाम कुणाल लो भाई सारे भाइयों का नाम ले दिया बराबर हो गए सारे हाँ। भाई नु करो तुमने भाई इसका नाम क्यों लिया यार सब इसका नाम ले हम काम करें हम मेहनत करें भाई दूसरा ले जावे सब मेहनत करें भाई कोई दिक्कत वाली बात ना कर दो भाई टाइट कर दो सबको मजेदार चीज आज घर जा कहना गुड़गांव के स्पीकर ही फाड़े अरे भाई को बताओ हां जी भाई ये वीडियो कब आएगी परसों ये वाली वीडियो कल 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 परसों डाल देना यार कल कब का कल के बाद नहीं हूं मैं कली आ जाएगी हम तो इतना टाइम वेट ही ना करें इसलिए पॉटी करते करते एडिट कर दूंगा और अपना शाबाश हाँ भाई हाँ कहाँ जाओगे ये देख लो भाई तुम्हें शर्म आती है थोड़ी सी अच्छा लो भाई अपना काम होता है मैं भाई से एक बार बाल कर लो फिर लेके जा रहे हो चलो बहुत दूर व्हाइट कलर की थार दिखा के ला रहा है क्या व्हाइट वाली भाई अपनी वाली व्हाइट करवा लेगा आप नु बता दो फटाफट करवानी है तो बता दो ना करानी तो भी मैं दिखाऊंगा तुम्हें व्हाइट कलर की थार खड़ी है वहाँ पे मन्ना पता किसकी है पर दिखाता हूँ तुम्हें भाई फाइनली उस तरफ बैठोगे आप लाओ दो भाई गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है भाई थोड़ी सी वो लेवलिंग रह रही है प्रोजेक्टर्स की जो अपने लगे हुए हैं क्योंकि वो रात को ही पता लगेगी ऑटो वाले ने किसने खड़ी कर रखी है छो आ जाएंगे कि लगी होगी तो
बच गया, थोड़ा सा बचा पड़ा बेटे, वरना तुम्हें पता है मेरे को इन चीज़ों पे थोड़ा सा गुस्सा तो आता ही नहीं मेरे को भाई। लो जी स्टार्ट कर रहे, बहुत गर्मी हो रही है भैया यार, क्या ही बताऊँ। ओके लो जी पहले स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा एसी चला लेना बिल्कुल, क्योंकि गर्मी घनी भयंकर हो रही है, और थोड़ी सी यहाँ से लाइट ऑन कर लेते हैं भाई। वाह लो जी, तो गाइस अब मैं बताता हूँ कमल भैया से बात करवा के कि अपनी गाड़ी का क्या क्या काम हुआ। स्पीकर काम ये लग गए ना, देख रहे हो तुम, जो मैं फ्लैश ऑन कर लूँ गाइस भैया, भाई ये देखो करें भैया स्टार्ट। हाँ जी, यहाँ पे ये कोएक्सियल स्पीकर्स लगे हैं, वहाँ पे यहाँ पे कोएक्सियल लगे हैं आपके मोरेल के। हाँ ठीक है, मोरेल मैक्सिमम यहाँ पे, और यहाँ पे और यहाँ कॉम्प्रेंट लगे हैं, और ये ट्विटर लगे अपने, ट्विटर के अंदर लगे हैं, और जो पीछे है वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा उतर के, वहाँ पे अपनी बेस ट्यूब टीकर्स की है, एम्पलीफायर जो है सीट के नीचे लगा है, लेफ्ट लेफ्ट वाली सीट के नीचे, यहाँ पे मेरे ख्याल से मिड सीट के नीचे लगा है उसने, अच्छा पीछे ही। हाँ बड़ा एम्पलीफायर ना, साइज बड़ा एक्चुअली। अच्छा 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 अच्छा, और जो पीछे टीकर का एंक्लोजर लगा है 10 इंच, वो मैंने देख लिया भाई, सच बता रहा हूँ, मैंने भी साउंड टेस्ट कर दिया, अभी तुम्हें भी सुनाऊंगा अगर थोड़ा बहुत जस्टिस मिल जाएगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य तो बनता है भाई तुम्हें एक बार साउंड सुनाने का, तो भैया कुछ प्ले करते हैं इसमें से। बाकी ना मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा लाउड सेटअप नहीं रखा हमने भैया गाड़ी में, हमने मेनली मेन फोकस हमने क्लैरिटी पे रखा। हाँ, क्लैरिटी पे रखा, क्योंकि साउंड की क्वालिटी अच्छी हो, आनी चाहिए, साथ में उसका पंच थंब आना चाहिए। हाँ, वो थंब पूरा आएगा, क्लैरिटी आएगी, मजा एंजॉय करोगे। तो फटाफट से ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं, नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चलाते हैं ना, कॉपीराइट आ जाऊंगा। देखो ये जो महिंद्रा देता है स्टॉक, ये बिल्कुल ही, अरे यार देखो ये देखो, थोड़ा सा करते फट गए, कुछ भी नहीं है भाई, ये देखो ना इसमें वेट है ना कुछ है, मतलब देखो गंदी छोटी सी मैग्नेट लगा रखी है, और क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास दे रखी है, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना भाई फिट कर रहे थे, उसकी क्वालिटी अलग थी भाई, उसका वेट अलग था, वो थोड़ा मोटा भी था इससे, ये देखो साइज भी बड़ा था। हाँ वो तो मैंने दिखाया था कंपेयर करके पहले वीडियो में, बाकी मैंने भैया को नहीं बोला ये करने के लिए, उनकी वो अपनी इच्छा थी। वो तो मेरा जी कर रहा था मैं, कितनी एक बार क्वालिटी तो दिखा दूँ पब्लिक को कि ये देता है भाई महिंद्रा, कहीं ना कहीं कोस्ट कटिंग तो करेगा ही करेगा, एक कोस्ट कटिंग इन्होंने इस पे कर रखी है महिंद्रा वालों ने, इसके जो वाइपर ब्लेड दे रखे हैं बारिश में साफ करते हैं बीच में लाइन छोड़ देते हैं, चलो कोई ना कहीं तो कोस्ट कटिंग करेंगे ही। अब थोड़ा एक बार भैया का कनेक्ट नहीं हो रहा है भैया, कनेक्ट डिस्कवरेबल कर दो, ऐड डिवाइस करो। हाँ अब आएगा मेरे हिसाब से, इसमें आ जाएगा, इसमें क्लिक कर भाई, महिंद्रा आ गया, सिस्टम भी फेल हो गया था हमारा, इसको लद्दाख ट्रिप पे भी हुआ था, कार प्लेन चल रहा था, अब दोबारा रिसेट मारा, भैया कनेक्ट हो गया, लो जी ऐड आ गया जाते ही, बाकी चीज़ें भाई जो ये चल रहा है ना, 10 पे चलाया था, 8-9 पे मैंने, 8-9 पे था, जो अब क्वालिटी दे रहा है ना उस टाइम में 30 पे भी ना दिया करता, सच बता रहा हूँ स्टॉक में तो बहुत फर्क आ जाता है, और हम तुमके बता देते हैं कितनी सी क्लैरिटी। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में तो ये था कि अगर आपने 16-17 से ऊपर आवाज कर दी ना तो आवाज फटने लग जाएगी, एक्चुअली फ्लैट स्पीकर थे ये, जो स्पीकर फ्लैट है तो ये आपको एक ही तरीके की टोन दे रहे हैं, जब आपको वॉल्यूम हाई करते हो तो ये क्या आवाज फटती है, पीछे प्रेशर नहीं था, वो ना स्पीकर की इतनी काबिलियत थी भाई। वाह ये चीज तो है, जो इसकी आवाज है ना भाई सबसे हटके मजेदार, आप म्यूजिक एंजॉय करोगे, इंजॉय। सारे यार दोस्त मेरे से कह गए यार तूने साउंड का काम नहीं कराया, मगर रुक जाओ तू अच्छा ही काम कराएंगे, एक बारी में ही करवाएंगे भाई पे, बस एक बार वो आ जाए, मैं ज़ूम का भी वेट कर रहा था, मैं कहा एक बार गैल गैल हो जाएगा, ज़ूम का प्रोजेक्टर काफी देर से खत्म था, तो आपका काफी देर से कॉल आ रही थी काम करवाने में, कभी एक बार आंदो एक ही बार आंदो एक ही बार, वही है कि यहाँ पे गुड़गांव तो यहाँ पे आने में दिक्कत भी तो रह, तो एक ही बार माँ के सारा काम करवा लिया, लो फटा स्पीकर पीछे फेंक देता हूँ, महिंद्रा किसी काम का नहीं है। ठीक है तो भैया आओ अंदर आके प्राइसिंग डिस्कस कर लेते हैं, और बताता हूँ आपको कितने का क्या सिस्टम अपना लगा है। ठीक है गाइस, बाकी थोड़ी देर में निकलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी रात और हो जाए तो मतलब शाम हो जाए, ताकि हम मैंने भैया को बोला, मैं कहा भैया एक ही बार जाना, आपको सेटिंग कर देंगे, मेरा पॉकेट प्रोजेक्टर की, फिर जाओ एक ही बार। बिल्कुल भाई बिल्कुल, चलो ठीक है भैया चले अंदर, चलो लेट्स गो गाइस। तो भाई सुबह के आ रखे हैं 12 बजे के, 7:30 बज गए, अब अंधेरा हुआ है, फटाफट लेवलिंग करवा के घर निकलते हैं, काम तो काफी पहले खत्म हो गया था भैया का। भैया पर वही वाली बात है, मैं मेरा बंद नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जाने नहीं देंगे, एक बार जल्दी कैसे चले जाओगे आप। हां लेवल करवा के, पिछली बार की तरह तंग नहीं होना यार। तो भाई बता दो कितने का क्या सिस्टम पड़ा अपने को। भैया मोरेल, जो मोरेल का मैक्सिमम कंपोनेंट लगाया हमने कोएक्सियल लगाया, 7500 रुपए का कंपोनेंट है, और 5500 रुपए का कोएक्सियल है। ठीक है, 4 चैनल एम्पलीफायर लगाया, साउंड बैरियर का जो 6500 रुपीज का है, और जो हमने किकर का एंक्लोजर लगाया स्लिम वाला, वो अराउंड 10000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली। ठीक है,
वायरिंग किट स्कॉशे की डाली है 3000 रुपये की, स्कॉशे का हाइलो कन्वर्टर है 3000 रुपये का, और कपला लगाया जिससे आपकी गाड़ी की कोई भी वायर कट नहीं हुई ना छिली गई है। अच्छा। तो ठीक है, आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होगी, कोई भी वायर को हमने हिंडर नहीं किया, कल को एज इट इज सामान उतारोगे तो आपकी गाड़ी एज इट इज नहीं है। ठीक है, प्लस हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज होता है तो सिस्टम हो गया आपका। और इसके अलावा हमने एक अजूम का प्रोजेक्टर लगाया है जो 15000 रुपये का प्रोजेक्टर है और 1000 रुपये का क्लैंप है। और 1500 रुपये का मतलब एक है या 15000 रुपये का सेट है, पूरी किट है। ठीक है, 15000 विद इंस्टॉलेशन। ठीक है, और 1000 रुपये का क्लैंप है जिसमें वो प्रॉपरली थार का हो जाता है। और भाई वूफर भी तो लगाया हमने पीछे, वूफर मैंने वही बताया कि 10000 रुपये का है स्लिम एंक्लोजर। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये सारा काम करा। बाकी छोटे मोटे मैंने एक्सेसरी लेनी थी, 400-500 की केबल आ जाए, और ये परफ्यूम कितने का भाई है? परफ्यूम आपका 250 रुपीस का एरियन का। भाई ये परफ्यूम ले जाना तुम, ये सबसे तगड़ी चीज है भाई। कोई भी ब्रांड हो उसमें एरियन नंबर वन है, चाहे आप जेल वाला ले जाओ या इसका वुडन वाला ले जाओ। और इसका अगर तुमने कॉफी वाला मिल गया ना तुम्हें तो मस्ती आ जाएगी भाई लाइफ में। हाँ मतलब वो अवेलेबिलिटी के ऊपर, अगर तुम आओ क्यों भाई हम तो ये लेना आए थे यो ना मिल रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अपना काम करो बढ़िया काम हो जाएगा। और भाईर का नाम ले देना तो अच्छा ही काम करके देंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट लेवल करवाते हैं। प्राइस तुमने सारे सुन लिए, डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे तुमने नंबर डाल दिया होगा, भाई से एक बार कॉल करके अगर यहाँ पे नहीं आ तो कॉल करके ही पूछ सकते हो। ठीक है भैया, अगर कोई कॉल करके पूछे तो बता रहे हो। डिलीवरी वगैरह भी करते हो, किसी को पैसे मंगाना हो? हाँ, कुरियर वगैरह करते थे हम लोग, जो देखो चीज़ें आफ्टर सेल सर्विस जिसमें हम देख सकें आपको। अच्छा, जो आसान हो, छोटे प्रोडक्ट्स हो हम कुरियर कर देते हैं। ठीक है, डेलीकेट प्रोडक्ट्स हम नहीं करते। सही है, सही है। अपने काबू है, एल्विस जब आया था वो तो फटाफट करवा के चला गया, उसने जाना था गुड़गांव में एक मीटिंग थी तो उसके पे तुम देख लेना उसने क्या कहा, उसने क्या छोटा मोटा काम ही करवाया मैट और ये सब, क्या था आया हुआ बाकी दो तीन नाइट में दिखा नहीं सकते। वो टॉप सीक्रेट है भाई, फटाफट इसका लेवल करवाते हैं और निकलते हैं घर। ठीक है, तो आ जाना, यहाँ पे आओ तो यहीं पे आना और कहीं नहीं जाना भाई। भाई बेस चेक करवा दिया, कैसा लगा गाइस बेस बता दो भाई, एक नंबर है। देखो गाड़ी ये अरे ये नहीं देखा, ये तो देख दिखाता ही है। बाय द वे अभी ये गाड़ी बस ओनली ऑन प्रोजेक्टर्स है, तो प्रोजेक्टर्स की लाइट देख लो तुम कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है भाई। अजूम तो अजूम है भाई, मतलब अजूम के प्रोजेक्टर्स ये देखो पूरे हेडलाइट से भी तेज है, ओनली प्रोजेक्टर चल रहे हैं और ये चली अब जली हेडलाइट, मतलब हेडलाइट कम है प्रोजेक्टर्स तगड़े हैं। और अभी तो मैंने वेटे डी पर देखो, तुम डी पर देखो ना तुम कितना तगड़ा जा रहा, देख रहे हो तुम? अगले रोड पर दिखाता हूँ, रोड पर देखना आप। ठीक है, ये देखो भाई वाह, ये देखो ना तुम भाई वाह, ये देखो ये डीपर मज़ेदार अजूम, मज़ेदार चीज। ये देखो नॉर्मल ये है फोग लैम्प और ये डीपर, ये देखो नॉर्मल फोग लैम्प है, तगड़ा है ना डीपर भाई। अजूम तो अजूम है, मतलब पहले अब तो अजूम से तगड़ा कोई मार्केट है मेरे को लगता कोई होगा भी, क्योंकि फॉग लैंप्स के बाद हेडलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, हेडलाइट ऑन कर दूंगा तो ये हो जाएगा। ये डीपर था, ये डीपर है, नॉन डीपर है, डीपर है, नॉन डीपर है, तो बहुत तगड़ा थ्रो है, बहुत तगड़ा थ्रो है भाई। अभी अभी है ना, मैं नॉन कॉपीराइट तो चलाना ही नहीं चाहता क्योंकि उसमें गाने मजा ना, जो कॉपीराइटेड सॉन्ग्स होते हैं ना और उन पे जो मतलब अलग क्वालिटी रहे यार, ऑब्वियसली बात है मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ। और भाई कमल भैया क्या काम करवा के दिया है भाई, मज़ा आ गया। बिग शाउट आउट टू ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम, सब जाके म्यूजिक का काम तो शाबाश करके वहीं से कराओ भाई, बेस्ट मज़ा आ गया। ठीक है, तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अभी एलवी शहर को करवाया था तो मैं उनके गैली जा रहा हूँ, उनके पीछे पीछे वहीं पे। ठीक है, तो इन सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अनदर ब्लॉग। ये चटका हुआ शीशा भी सही करवाने वाले हैं भाई, और शूट भी हमारे दिन में। ठीक है, तो शाबाश करके गुड नाइट, आई लव यू, इंस्टा पे फॉलो कर लो और आई लव यू, बाय बाय।